तो वो गाड़ी वाले ने कहा भी आप फैसलाबाद के रहने वाले आ जाओ, अब बेटा आप पीछे बैठ जाओ, तो आप सुबह चली बस में है ना, ऐसी हमदर्दी। उसने खुद मुझे बोला आप पीछे आखिरी वाले कोने पे चली जाओ, जाके लेट जाओ, ये हाँ उधर बैठ जाओ। ड्राइवर ने कहा है जी पूरी खाली बस में पिछली वाली सीट पे जाके लेट जाओ, 4 बजे आप चले जाना, अभी टाइम नहीं है। खाली बस में तुम्हें कोई हमदर्दाना तौर पर कह रहे पिछली जाके सीट पर लेट जाओ, तुम जाके लेट जाओ। नहीं आप ही, मैं तो अपनी मजबूरी की खातर भी इस टाइम फैसलाबाद की रहने वाली, फैसलाबाद की पैदाइश है हमारी। कोई रिक्शे वाला तुम्हें कहाँ क्या बुला रहा था पता है ना तुम्हें? जी पता। क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे आ जाओ, मैंने मैंने कहा नहीं जाना। एक रिक्शा वाला कहता है इसने दादा दरबार जाना है, एक कह रहा है जी नहीं इसने दादा दरबार नहीं शिदरे जाना है इसने। दो तीन रिक्शे अपने अपनी बातें, तो मैंने बोला यार इसने ना कहीं नहीं जाना, इसने तो जाने बैठे चौक में। इससे पूछा, इसके वालिद का नंबर पूछा है, इसने नहीं बताया। इसके हावंद का नंबर पूछा है, इसने नहीं बताया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राबिया मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं देखो टीवी नाज़रीन। इस वक्त मेरे साथ एक खातून मौजूद है, नकाब में और पर्दे में मौजूद है, लेकिन ये हमें मिली है बस में और बस के बाहर थी। जैसे ही हम लोगों की टीम को देखा या हमें देखा, ये बस पर चढ़ गई और बस खाली बस के एंड में ये हमें मिली है। ड्राइवर से पूछे तो उसने कहा कि लड़की पीछे छुप के बैठी हुई है। हमने इसे कुछ ऑफ कैमरा मामलात पूछे, इसने हमें बात गोलमोल की क्योंकि कोई भी सही सच्चाई नहीं बताता। बहरहाल ऑन कैमरा भी इसे हम बात करते हैं, ये जो बताएगी अपनी मुज़बानी, इसके बाद देन हम इसको फिर पुलिस के हवाले या तहफ़ुज़ मरकज़ करेंगे, वो इन्वेस्टिगेशन करके इसको इसके घर वालों के हैंड ओवर करेंगे। अब इससे पूछते हैं। हाँ जी, क्या नाम? सोनिया। क्या उम्र? 22 साल। 22 साल? 22 साल। कितों आई? फैसलाबाद से। फैसलाबाद रहने वाली? कहाँ? फैसलाबाद की रहने वाली, फैसलाबाद की पैदाइश है हमारी और अपने अम्मी अब्बू को मिलने की, पापा हमारी की तबीयत ठीक नहीं है। मैं 434 फैसलाबाद जी। अच्छा। शादी हुई भी है? जी शादीशुदा हूँ। कितने बच्चे? एक बेटा, 2 माओं का हमारा। ठोकर न्याज बेग की हमारी रहायश है, लाकर नबाब साहब आपको लेकर चलती हो, बेटा हमारा 2। ठोकर न्याज बेग लाहौर में। हमारी सास का भी हमारे पास। पहले तुमने कहा भट्टा चौक, लंबर हमारे पास। पहले तुमने भट्टा चौक? जी भट्टा चौक का आपको बता। और भट्टे में कोई फर्क नहीं? हाँ कोई फर्क नहीं, हमारे पास लंबर में आपकी बात करो। भट्टा चौक क्यों कहा था गाड़ी में, जब हम गाड़ी में? क्योंकि कहा उधर हमारी आप ही रहती है। आप ही के पास रहती हो या अपने घर? अभी तुम ठोकर पे तुम्हारा अपना घर है, पहले तुमने कहा जी भट्टा चौक के पास जा रही थी, पर नहीं अभी इधर लाके हमारा। रिक्शे वाले तुम्हारे कोई, तुम्हें रिक्शे वाला कहाँ खींच के लेके जा रहा था? कोई रिक्शे वाला तुम्हें कहाँ क्या बुला रहा था पता है ना तुम्हें? जी पता। क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे आ जाओ, मैंने मैंने कहा नहीं जाना, तो वो गाड़ी वाले ने कहा भी आप फैसलाबाद की रहने वाली आ जाओ, अब बेटा आप पीछे बैठ जाओ, तो आप सुबह खाली बस में है ना। ऐसी हमदर्दी, ऐसी हमदर्दी के खाली बस पे तुमने तो उसने चढ़ा लिया, तुम एंड वाली सीट पर जाके बैठ के छुप के? पप्पी मैं छुप कर नहीं बैठी, मैं चोर डकैत नहीं हूँ, लंबर है मेरी सास का, आपकी बात कर। आपसे कहा कोई नंबर पर करे, किसी के पास मोबाइल नहीं? मैं क्या बंदे से बात करूँ, बंदे का मोबाइल गुम हो गया, अबू का पास नहीं है, वो नहीं है, किसी का नंबर तुम्हारा है बंद जा रहा है, मम्मी के पास नहीं है, मेरी सास के पास है, वो लंबर हमारे पास मौजूद है। कहते नंबर है सास का, वो ऑन है जी। चलो हम तुम्हारी सास से भी बात करते हैं। वजह क्या थी पीछे जाके बैठने की या छुप के? मैं छुप कर नहीं बैठी हूँ, उसने खुद मुझे बोला आप पीछे आखिरी वाले कोने पे चली जाओ, जाके लेट जाओ, ये हाँ उधर बैठ जाओ। ड्राइवर ने कहा है जी पूरी खाली बस में पिछली वाली सीट पे जाके लेट जाओ, 4 बजे आप चले जाना, अभी टाइम नहीं है। अच्छा। हम खाना खाने जा रहे हैं होटल पे, 4 बजे तक तुम्हें बस में ले के बैठे रहते हैं और बस में खाली बस में तुम्हें कहते हैं कि जाके लेट? हाँ उसने बोला। पागल हो, अकल नहीं है या खुद तुम ऐसे गैर समझदारी का या इस तरह पागलपन का मुजाहरा कर? नहीं नहीं मैं पागल। खाली बस में तुम्हें कोई हमदर्दाना तौर पर कह रहे पिछली जाके सीट पर लेट जाओ, तुम जाके लेट जाओ। नहीं आप ही, मैं तो अपनी मजबूरी की खातर भी इस टाइम। टाइम क्या है पता है? ना बंदा तुम्हारे साथ, ना कोई मर्द साथ, ना कोई लड़की, ना बच्ची, ना कोई औरत। जी मुझे अकेली पागल नहीं। 22 साल तुमने उम्र बताई जी, घर वालों से रबता नहीं करवाया, खाली बस में तुम्हें ड्राइवर ने कहा जाके 4 बजे तक तुम अंदर जाके सो जाओ या लेट जाओ, तुम जाके लेट जाओ? नहीं मैडम मेरे पास लंबर है, पापा मार्क लंबर बन जा रहा। अब हमने ऑन ऑफ कैमरा का तुमने कहा जी बंदे का की टांगे टूट गई हैं, मोबाइल गुम हो गया है, किसी भाई का नहीं है, बाप का नहीं है, किसी का है लंबर बंद जा रहा बताया आपको।
और सास हमें ऑफ कैमरा बताया कि मैं भट्टा चौक जा रही हूँ। अब इसने कहा जी मेरा घर भट्टा चौक नहीं है, वो तो बहन का घर है, मैं तो जा रही थी ठोकर। अब ये ठोकर वाली बात जी, असल में कहानी कोई कहानी नहीं, मेरे बेबी है, मैं आपको साथ ले जाती हूँ, मैं घर। 2 महीने का बेबी है, ठीक है, तो 2 महीने का दूध पीता बच्चा है, तुम्हारा पहला बेबी है। अभी औरत की तो वो ही नहीं खत्म होती, बाजारी आप ही लगाया हमारा दूध। अच्छा, नहीं बाजारी है, 2 माह का बच्चा है, नहीं तुम माँ बनी हुई हो, माँ की तो मोहब्बत ही चाह ही नहीं खत्म होते, नया बच्चा अपने से 1 मिनट नहीं अलग। जब पापा की तबीयत खराब हो तो घर वालों को भी देखना पड़ता है, सारा खाते पूरे घर वालों को भी देखना पड़ता है, पीछे भी देखना। बाकी नाज़रीन आतिफ भाई से पूछते हैं असल में मामला क्या, इसको हम हैंडओवर करते हैं तहफ़्फ़ुज़ मरकज़, वो जाने उनका काम जाने, वो पूरी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। नंबर से लिखवाए किसके घर वालों से रबता, अगर ये करवा लेगी ठीक, नहीं तो इसको फिर दारुल अमान ही भेजा जाएगा। बाकी आतिफ भाई से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी आतिफ भाई, लड़की को हमने रेस्क्यू किया है और ये बस पे चढ़ रही थी, पहले इसके पास रिक्शा ड्राइवर एक नहीं दो नहीं दो तीन रिक्शे चिंची वाले बड़े क्राउड में ठहरे हुए थे, झुरमट बनाया हुआ था, फिर हमें देख के वो तो चल गए, 9:00-11:00 हो गए। इस लड़की ने देखा तो ये बस पे चढ़ गई, असल में मामला क्या है, माजरा क्या, आप बस के बाहर ठहरे हुए थे, हम बस के अंदर भी गए, पूरी खाली बस में पिछली सीट पे लेटी हुई थी। अच्छा मैंने पता क्या बात है, पहले ये ना अड्डे की तरफ पहले ठहरी थी अकेली, तो रक्षे वाले जाहिर सी बात है रक्षा गैंग रक्षा माफिया है, वो तो कोई भी नई लड़की आएगी उसे कोशिश करेंगे वरगलाने की साथ लेके जाने की, तो इसने ना वो ब्रिज क्रॉस किया, क्रॉस से एक दूसरी तरफ उतरी है, उतरी है तो फिर रक्षे वाले आगे थे तो कह रहे थे कि एक रक्षा वाला कहता है इसने दादा दरबार जाना है, एक कह रहा है जी नहीं इसने दादा दरबार नहीं शिदरे जाना है इसने, दो तीन रक्षा अपने अपनी बातें। तो मैंने बोला यार इसने ना कहीं नहीं जाने, इसने तो जाने भट्टे चौक में, आप कह रहे हो, कहता नहीं नहीं तुम्हें क्या पता है। तो मैंने बोला चलो ठीक है, तो रश लग गया तो एक ड्राइवर आया तो उसने बोला इसको आके चलो आओ मेरे साथ इधर आओ, उसको साथ ले कर तो उसने कहा तो मेरी गाड़ी में जाके ना जाके बैठो जाके अंदर, मैं मेरा वेट करो मैं आ रहा हूँ। तो तकरीबन टाइम अभी देख रहे डेढ़ पौने दो का टाइम हुआ है, अकेली खतून जो है जा गाड़ी में जाके एंड वाली सीट पर अकेली जाके बैठी है, तो 2 घंटे का टाइम उसने बोला कि 4 बजे आपको मैं भेज दूँगा इधर से, आप 2 घंटे उधर ही ठहरो तो मैं आपको ले आऊँ। तो मैं पास ही ठहरा था तो मैंने उसी टाइम जो है ना कॉल किया आपको कि आप आएँ आके इस हवादिन को अंदर से निकाल के उसको पुलिस तहफ़ मरकज़ जमा करवाएं, ताकि पुलिस इसका काम ये नहीं कि जा गाड़ी में किसी का वेट करें या गाड़ी में कोई टाइम पास, छुपी बैठी थी, छुप के बैठी हुई थी। और बाद में जब हम बस पे जब हम मैं ऊपर गई हूँ मैंने कहा तो ड्राइवर कहते जाएँ जाएँ पीछे वो लड़की एक बैठ। हाँ जी लेकिन ये मामला था, इससे पूछा, इसके वालिद का नंबर पूछा है इसने नहीं बताया, इसके हामिद का नंबर पूछा है इसने नहीं बताया, क्या इसको बोला कि आपने किसी हुनी रिक्शे किसी का नंबर दे दो, उसने बोला सब के मोबाइल गुम गए हुए हैं, लेकिन इसको अभी हम तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ पहले इसने गाड़ी में बस में कहा कि मैं भट्टा चौक है, अभी इसने कहा जी ठोकर जी, ये ना इसके बयान भी है कि नहीं है, वैसे झूठ बोलेगी तो बयान कैसे होंगे। बाकी नाज़रीन आपने सारा मामला सुना है, उसकी भी गुफ्तगू सुनी है और ऑफ कैमरा जो रिकॉर्ड ऑफ कैमरा रिकॉर्ड था वो भी आतिफ भाई ने बताया कि किस तरह ये ड्राइवर के कहने में बस के एंड वाली सीट पर ये छुप के बैठी थी या ये लेटी हुई थी। बाकी हमने हैंडओवर किया है पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ के, अब वो अपनी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, अब क्या करना है वो अपने कानून के मुताबिक सारी कार्रवाई करेंगे। आप क्या कहेंगे, कीमती राय से आगाह कीजिएगा, हाजिर होंगे नए प्रोग्राम में फ़ी अमान।